केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ 8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद के समर्थन में शिमला धर्मशाला नेशनल हाईवे 103 पर स्थित घुमारवीं में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने 1 घंटे 20 मिनट तक प्रदर्शन व चक्का जाम किया था। इस दौरान सड़क मार्ग बाधित करने के चलते ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सचिव व पूर्व विधायक राजेश धर्माणी सहित 45 कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। 8 दिसंबर को केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के भारत बंद के समर्थन में घुमारवी ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा चक्का जाम कर प्रदर्शन करना भारी पड़ गया है। शिमला धर्मशाला नेशनल हाईवे 103 स्थित घुमारवी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने 1 घंटे 20 मिनट तक चक्का जाम किया और प्रदर्शन किया था। इस दौरान सड़क मार्ग बाधित करने के चलते घुमारवी थाने में केस दर्ज किया गया है। ये प्रदर्शन घुमारवी से पूर्व विधायक व ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें धर्माणी सहित 45 कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों पर FIR दर्ज की गई है। उनके खिलाफ मामला दर्ज होने पर राजेश धर्माणी ने इसे भाजपा द्वारा उनकी आवाज को दबाने के लिए उठाया गया कदम बताया। धर्माणी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का नया कृषि कानून किसानों के खिलाफ बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का एजेंडा है और कांग्रेसी कार्यकर्ता व नेता किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं। उन्होंने कहा कि अब उनके खिलाफ केस बनाए जा रहे हैं ताकि वे घबराकर पीछे हट जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। भारत बंद जो किसानों ने रखा था उसके समर्थन में घुमारवीं कांग्रेस ने भी जो है वो चक्का जाम किया और इसे कुंभकर्णी नीति जो सोई है सरकार उसको जगाने का प्रयास किया, क्योंकि ये सरकार कई तरह के जुल्म किसानों के ऊपर, आम आदमी के ऊपर ढा रही है और इनके कानों तक जो है जूं नहीं रखती है। इस पर इनकी तरफ कोई भी अगर कोई मुद्दा उठाएं सरकार के सामने, तो बजाय उसके ऊपर संवेदनशीलता के साथ उस पर चिंतन मनन करने के, उसके सुधारवादी कोई कदम उठाए, उल्टा जो ये मुद्दा उठाने वाली पार्टियां हैं, नेता हैं, उनको टारगेट किया जाता है। तो इसके विरोध में जो है हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्ती किसानों की आवाज़ को दबाना चाहती है, मजदूरों की आवाज़ को दबाना चाहती है, विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहती है। तो ये केस इसीलिए बनाए जा रहे हैं और इससे हम घबराने वाले नहीं हैं, ना इससे हमारा मनोबल कम होगा। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।